नमस्कार दोस्तों, जींद के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं हरियाणा में निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। परिषद की 18 सीटें हैं और नगर पालिका की 28 सीटें। अब जींद की बात करें, नगर परिषद में आता है जींद। जींद की बात हमेशा होती है, जब जब चुनाव होते हैं हरियाणा में जींद की बात हमेशा होगी और होती रहेगी। मैन कारण जींद की बात क्यों होती है, उसका पिछड़ा कारण। जींद के लोग भोले हैं। चुनाव के समय लोग आते हैं, नेता आते हैं, झूठ बोलते हैं और वोट लेके जाते हैं। हर बार जाति के नाम पर जींद वाले वोट दे देते हैं, धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं। क्या आपकी बार विकास के नाम पर वोट होंगे? पिछली बार की बात करें, पिछली बार जो चेयरमैन थे, बीजेपी पार्टी के चेयरमैन थे, पूनम सैनी जींद की चेयरमैन थे। अब की बार भी नेता आएंगे, वोट मांगेंगे। कोई कहेगा कि मैं जाट हूँ, हमें वोट दें। कोई कहेगा सैनी हूँ, हमें वोट दें। कोई कहेगा ब्राह्मण हूँ, कोई कहेगा बनिया हूँ। क्या जींद की जनता अब की बार विकास पर वोट डालेगी? वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जींद हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है विकास के नाम पर। राजनीति की राजधानी जींद को कहा जाता है, क्योंकि जींद से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जींद से रहे हैं। चौटाला परिवार की बात करें, जींद से चौटाला परिवार की राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन जब विकास की बात आती है, विकास सिरसा चला जाता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद से राजनीति करते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है, विकास रोहतक चला जाता है। अब की बार जो चुनाव है नगर परिषद का, उसमें कुल वोटों की बात करें हम, 1,20,205 कुल वोट हैं। उनमें महिला मतदाताओं की बात करें, 53,896 वोट महिला मतदाताओं के हैं। वहीं पर पुरुष मतदाताओं के 63,306 वोट हैं, अन्य 3 वोट हैं। अब इनमें से कितने वोटों की पोलिंग होगी, वो भी एक विषय है, क्योंकि जितने वोट है वो पोलिंग नहीं होती है, उसके कुछ प्रतिशत हिस्सा पोलिंग होता है। क्योंकि जो चुनाव होता है, चुनाव के समय कई वोटर बाहर होते हैं, वोट नहीं डाल पाते, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता वोट डालने में। हम जींद को अपने चैनल के माध्यम से विनती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव में भागीदारी लें और जींद के विकास के लिए वोट डालें। आपका एक एक वोट जींद को तरक्की के राह पर ले जाएगा। वोट डालना है जींद के विकास के लिए, ना जात पर ना धर्म पर, क्योंकि अब की बार विकास करवाना है जींद का। जींद को लंबे समय से हम देख रहे हैं, पिछड़ा है। बात सभी करते हैं चुनाव के समय, हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन विकास केवल बातों में दिखाई देता है। अभी हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन वो जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी में फूट देखने को मिल रही है। बीजेपी अपने अलग सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जेजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आज जेजेपी पार्टी ने हरियाणा में 8 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं पर जींद की बात कर रहे हैं हम, तो जींद से रजनी अरोड़ा जो जेजेपी नेता हैं, हरीश अरोड़ा, उनकी धर्मपत्नी मैदान में आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी की सुनने में आ रही है कि वो अब की बार सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और वहीं पर आम आदमी पार्टी की भी सुनने में आ रही है। पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में सक्रिय रूप से काम कर रही है, वो भी देखने वाली बात होगी, पंजाब चुनाव का हरियाणा में कितना असर दिखाई देता है। मुख्य कैंडिडेटों की बात करें, अब की बार जो मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के नेता प्रदीप गिल, उनकी धर्मपत्नी मैदान में है अनीता गिल। अब की बार जो सीट है महिलाओं के खाते में है, लेकिन मीडिया में खास तौर पर दिखाई देता है महिलाओं का कम जिक्र है, पुरुषों का ज़्यादा जिक्र है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या जो मीडिया वाले साथी हैं, महिलाओं का कहीं पर जिक्र नहीं है, केवल पुरुषों का जिक्र है। हम अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं उन महिलाओं का भी जिक्र करें, क्योंकि मैदान में महिलाएँ हैं ना कि पुरुष हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, राजकुमार गोयल की भाभी जी पुष्पा गोयल, वो भी मैदान में है,
वो भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वहां पर दो गुट दिखाई देते हैं, प्रदीप गिल हुडा खेमे से टिकट मांग रहे हैं और राजकुमार गोयल रणदीप सिंह सुरजा वाले खेमे से टिकट मांग रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो अब देखने वाली बात है क्या वो दोनों कैंडिडेट अब मैदान में होंगे, तो पार्टी किसका समर्थन करेगी, राजकुमार गोयल का या प्रदीप गिल का। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से फूट दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है, हुड्डा का गुट अलग है, शैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला किरण चौधरी सबका गुट अलग अलग है, चुनाव में फूट दिखाई देती है। कितना असर दिखाई देगा इस चुनाव में, क्योंकि अब की बार जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं हुड्डा गुट के बनाए हैं उदयभान सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाले को भी नई जिम्मेवारी मिली है राजस्थान से, राज्यसभा के लिए उनका नाम चुना गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब चुनाव में देखते हैं कि किसका असर ज़्यादा दिखाई देगा। सभी कैंडिडेट मैदान में हैं, निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं, परवीन बेनीवाल की माताजी भी मैदान में हैं। अब कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ता है, क्योंकि चुनाव के समय बहुत से कैंडिडेट आते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब पार्टियां अपने उम्मीदवार को उतारती है उसके बाद कुछ कैंडिडेट बैठ जाते हैं। तो साथियों, जींद में 31 वार्ड हैं, जींद में बहुत सी समस्या आपको देखने को मिलेगी। जो जींद से है वो, जो जींद से नहीं आए उनको भी पता है जींद की मुख्य समस्या क्या क्या है। तो आपके द्वार पर जो उम्मीदवार आए उनसे पूछना, आपने हमारे लिए पहले कितनी आवाज़ उठाई हमारे विकास के लिए, हमारी समस्याओं के लिए। अगर आप बनते हैं तो हमारे शहर में क्या क्या योजना लाएंगे, किन किन समस्याओं का निवारण करेंगे, क्योंकि चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन काम कहीं दिखाई नहीं देता। तो साथियों, आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, 31 वार्ड हैं, जिस भी वार्ड की समस्या से आप अवगत हैं, बाकी तो पूरे जींद शहर की समस्या से हम भी अवगत हैं, लेकिन मुख्य आपकी जो जो समस्या है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, आपके शहर की क्या क्या समस्या, आपके वार्ड की क्या क्या समस्या है। जो जो उम्मीदवार मैदान में होंगे हम उनसे अपने इंटरव्यू के माध्यम से उनसे समस्याओं का निवारण पूछेंगे कि आपने क्या प्लान बनाया है, अगर आप जीत जाते हैं तो किस प्रकार समस्याओं को दूर करेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।